श्वेता को आप सुन रहे थे, मैं इस वक्त लोगों के बीच हूँ जो वोट डाल के आए या वोट डालने जा रहे हैं। वोट डाल के आए हैं? बिल्कुल वोट डाल के आए हैं। किसका माहौल है? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? आप देखो यहाँ तो सपा वाला का बस्ता भी नहीं लगा हुआ, कई सपा वाला का बस्ता दूर तक घुमाओ कैमरा लगा दो भाई। क्या समाजवादी का बस्ता भी नहीं है, इकलब्बा भाजपा का माहौल है। क्यों समाजवादी का क्यों नहीं है? अरे लोगों को पता है समाजवादी गुंडों का अभिप्राय है, गुंडागर्दी का पर्याय है, समाजवादी लूट खसोट की है, थाने तहसीलों में दलाली की है, आज चारों तरफ रामराज है, भाजपा का माहौल है। ये कह रहे हैं टोपी वालों के बिना तो कुछ काम नहीं चल रहा है। सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। टोपी वाले किधर है? टोपी वाले भाजपा में है। कब से? पहले से। पहले से है? ये हंस रहे हैं बगल वाले, देख लीजिए आप। बड़े हंसो, ये तो ऐसे तो कर रहे हैं और क्या, मुंह जिम्मा गेंद के हंसेंगे तो यही लोग हंसने क्या मनाई है जी किसी को। तो इस बार किधर है? बीजेपी जी। बीजेपी में अब रहेंगे हमेशा? हाँ जी, लोग यही पूछ रहे हैं बार बार। हाँ पूछना तो पूछना चाहिए जी। ये आंदोलन के बहुत देखा ही नहीं? वो आंदोलन का नहीं, वो तो जी है चौधरी जयंत सिंह का है। हाँ। उन्हीं का है। वो भी तो उधर ही रहे? नहीं वो तो रहे, अब तो इधर आ गए। तो अब कहिए इधर ही रहेंगे? कोशिश तो यही है इधर ही रहने की, कोशिश तो यही। ये वास्तव में जो गठबंधन हुआ हाँ। ये इतना सुंदर गठबंधन है, इसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ बचता नहीं। ये तो कह रहे सुंदर पिछला वाला भी था? नहीं नहीं, वर्तमान जो गठबंधन है वास्तव में वक्त की जरूरत भी थी और जैसा समाज का माहौल था बहुत सुंदर गठबंधन, और वास्तव में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतेंगे निश्चित रूप से। पूरी 80 की 80? पूरी 80 की 80 जीतेंगे। 80 की 80 आ रही? ये कह रहे सपा का बस्ता नहीं लगा। हम तो इनके साथ है जी, 80 तो नहीं आने जी, पर कुछ तो कटेंगी। कटेंगी कटेंगी, कितनी कटेगी? 5-7 तो कटेंगी, तो 75 आएगी। आप किधर वाले? मेरे इनकी साथ में। ये मजाक कर रहे हैं, ये मेरे साथ है तो निश्चित रूप से भाजपा जीती हूँ। हाँ। आप क्या कह रहे हैं? साइकिल वाले जी। साइकिल वाले जीत तक एक रहे, साइकिल का बस्ता नहीं बचा। माहौल है, बस्ते की जरूरत नहीं पड़ती है साइकिल वालों को, एक तरफा माहौल। ये कह रहे गिनती करा लो यहाँ। अच्छा गिनती करवाने की कहाँ जरूरत है, गिनती तो होगी 4 तारीख में पता लग जाएगा। 4 तारीख में पता लग जाएगा नरेंद्र मलिक जीत का 1.5 लाख वोटों से, जब पता लग जाएगा 1.5 लाख वोटों से जीतेगा नरेंद्र मलिक। ये कह रहे 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे? जीतेंगे जी पक्का। मैं मुझे नहीं पता, जीतना नहीं पता। कह रहे 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे? बड़ी मुश्किल है। किसकी? भाजपा गई जी, निकल गई पार है। तो भाजपा पार मतलब जीत गई? जीत गई। हाँ अच्छा एक चीज, अच्छा एक चीज बताओ जी, मैं आप सुबह से आपके पीछे पीछे घूम रहा। हाँ। शायद मुझे जैसे उम्मीद है। हाँ। आपको पता, आप तो पत्रकार हैं। हाँ। जब मुलायम सिंह की सरकार आई थी 2012 में, तो शायद एक घोषणा की थी उन्होंने कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। हाँ। शायद 1 या 2 महीने दिया था, वो क्यों बंद हो गया था जी? बताइए भाई, ये कह रहे हैं बेरोजगारी भत्ता का वादा किया, 2 करोड़ नौकरी करी थी, किसे दे दी? बताओ मोदी जी की तो इस तरह बड़ी तो सरकार नहीं आ सकती, किसे नौकरी दे दी इन्होंने बताओ? एक को नौकरी दी हो? बताइए, आइए इनको जवाब दे दीजिए। ऐसा है इस प्रदेश में तो जीने के हालात भी नहीं थे, और हमारा दुर्भाग्य कि हमने 2013 का दंगा भी देखा। यहाँ तो जीने के दुर्भाग्य देने के माहौल भी नहीं थे, हमने ऐसी स्थिति उत्पन्न करी, रोजगार भी खड़े करेंगे निश्चित रूप से हम करेंगे। कह रहे जीने के हालात नहीं थे यहाँ, बहन बेटी कह रहे सड़क पर सुरक्षित नहीं निकल पाती थी। सुरक्षित थी, अब भी सुरक्षित ही है, सुरक्षित हुए तो बाबा का आशीर्वाद है यहाँ से, कहीं मोदी जी का कुछ नहीं है यहाँ से। बाबा ठीक है, बाबा ठीक है। समाजवादी के लोग बाबा का आशीर्वाद मान रहे तो निश्चित रूप से आपको खुद देखना चाहिए कि वास्तव में भाजपा जीत रही है, हमने काम किया है निश्चित रूप से। संजीव बालियान का काम जबरदस्त है, अच्छा आदमी है, कोई भी चला जाओ हर आदमी से बात। पिछली बार कैसे संजीव बालियान जी फंस गए थे, 6,500 से जीते सिर्फ? नहीं जीत तो जीत है, वो 6,500 से हो या 4 लाख से हो, जीत तो जीत है जी। क्या एक को जीत नहीं मानोगे? हाँ सर और भी लोग हैं, बताइए। अरे इधर उधर कहाँ जा रहे हैं? हाँ बताइए, वोट दिया है आप लोग? वोट दिया मैदान में, क्या सोच कर वोट दे रहे हैं आप? विकास को। विकास? विकास कौन कर रहा है? हमारी भाजपा सरकार। पीछे देखिए आवाज। हाँ क्या ये नली सारी गंदी पड़ी, टट्टी सूंघ रहे हैं सारे, बताइए जवाब देंगे इनको क्या कह रहे हैं? तो टट्टी का तो ये सारे के सारे रैंप यही ना हटवा दो ना, हमने रोका। देखिए और भी लोग इधर खड़े हुए हैं, आपका क्या नाम है? संदीप कुमार। संदीप जी क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस है मेरा। क्या है का बिजनेस? मेडिसिन का। मेडिसिन का कारोबार बेहतर हुआ है या गड़बड़ाया? नहीं ठीक हुआ कारोबार, ठीक हुआ। हाँ ठीक हुआ। और देश? देश भी ठीक हुआ। तो क्या है यहाँ माहौल? प्रदेश ज्यादा ठीक हुआ। प्रदेश ज्यादा ठीक हुआ। हाँ बब्बा की सरकार बढ़िया।
ऐसा क्यों आप कह रहे हैं प्रदेश ज्यादा ठीक हुआ देश से? प्रदेश नाम क्या आपका? संदीप कुमार। अच्छा हाँ, फिर प्रदेश अच्छा हुआ, बाबा की सरकार बढ़िया चल रही। ऐसा? हाँ हाँ। आइए लोमस हमारे साथ बने हुए हैं, लोमस के पास चलेंगे। जी लोमस, जरा पूछिए लोगों से, लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सोहेल, साफ तौर पे यहाँ पे अलवर की जनता से हम पूछते हैं और साफ तौर पे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की गवर्नमेंट उनको चाहिए। यहाँ पे कई वोटर्स हैं और लगातार वो अपने नाम को यहाँ तलाश रहे हैं, किस तरीके की गवर्नमेंट देखते हैं और वोट डालने जा रहे हैं? बिल्कुल सर, वोट डालने जा रहे हैं अभी हम लोग। और गवर्नमेंट सारी अच्छी होती हैं, बट आज की डेट में अगर देखें तो मतलब विपक्ष के पास भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो एक देश के लिए, आज जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं और उन पड़ोसी मुल्कों पे देखा जाए तो सब कट्टर हैं, सब अपने अपने राष्ट्र के लिए। तो आज अगर एक आदमी खड़ा है देश के लिए, उस देश को बनाना चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बने, तो बुरा नहीं है। तो उसका विजन इतना अच्छा है, विजन इतना स्ट्रांग है, लोगों को लेकर चल जाता है। तो मेरे हिसाब से हम लोग इस तरह गवर्नमेंट देख रहे हैं कि अगर मोदी जी आके जाते हैं तो बढ़िया है हमारे लिए। बिल्कुल साफ तौर पर आप लोग वोट डालने जा रहे हैं? हाँ अभी डाल रहे हैं ना। किन मुद्दों को सामने देखते हुए वोट डालेंगे? हमारे लिए तो देश ही सर्वोपरि है इस समय पे। एक तो एक तरफ तो वो पार्टियां हैं जो हमारे सनातन धर्म को विभाजित करने में लगी हुई है, हमसे ही पोषित हुई है और आज की डेट में एक ही कम्युनिटी को डिवोट कर रही है। तो UCC लागू होना चाहिए और मोदी के साथ में। दूसरा ये धारा 370 मोदी ने ख़त्म किया है। तीसरी चीज़ है, अभी जो इस समय भारत को गौरव मिला है वो मोदी ने दिलवाया। हमारे GDP इस समय पे वर्ल्ड बेस्ट है। तो जहाँ तक और जो स्टार्टअप हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है। तो और बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे महिलाएं भी आप लोग अपना मत का प्रयोग करने जा रही हैं? जी हाँ। क्या क्या दिमाग में सवाल चल रहे हैं? ऐसी सरकार चाहते हैं जो एक व्यक्ति के लिए कार्य ना करे, संपूर्ण देश के विकास के लिए कार्य करे और हमेशा हमारे भले के लिए सोचे। और बस की कितनी उम्र होगी? वोट डालने जा रही है अम्मा? डाल रही हूँ, नाम देख रहे हैं ना उसमें, अभी लिस्ट में नाम देखा जा रहा है। कितने साल की अम्मा? ये 75। अच्छा, वोट डालने जा रही है? जी हाँ। बिल्कुल साफ तौर पे देखिए, यहाँ लगातार जो वोटर्स हैं वो एक एक करके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। वोट डालने जा रहे हैं आप लोग? हाँ भैया। क्या जहम में क्या सवाल है, किन मुद्दों को लेकर के वोट डालेंगे? केवल मोदी, हिंदुत्व। आपका क्या? मोदी। देखिए यहाँ पे कई महिलाएं हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, सब अपना सेल्फी ले रहे हैं। देखिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, बच्चे हो या महिलाएं, वो लगातार यहाँ पे सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं। साफ तौर पे एक एक करके यहाँ पे सेल्फी लिया जा रहा है, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। आपने अपना मत का प्रयोग किया? हाँ जी। क्या किन मुद्दों को लेकर के अंदर गई थी? बस देश का विकास हो, देश में उन्नति हो, बस यही चाहते हैं, सुख शांति बनाए रही। अम्मा मत का प्रयोग किया आपने? वोट डाला? हाँ डाला ना वोट। बिल्कुल, आपने मत का प्रयोग किया, वोट डाला? हाँ डाल दिया जी। इस तरीके इस क्षेत्र का विकास के पास तमाम लोगों से बात कर रहे हैं इस वक्त हमारे सहयोगी लोमस, जो कि अलवर पर इस वक्त मौजूद हैं। वहां का क्या माहौल है, वहां का क्या मूड है, और एक बड़ी टीम रिपब्लिक की इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं और हर जगह से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं, दो मिनट में चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें भी आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। पहले चरण में सुबह 11 बजे तक जम्मू कश्मीर में 22%, बिहार में 20% और छत्तीसगढ़ में 28% हुआ मतदान। पहले चरण के चुनाव में सुबह 11 बजे तक मध्यप्रदेश में 30% मतदान हुआ है, महाराष्ट्र में 19% और मणिपुर में 27% मतदान हुआ। जहां तक राजस्थान की बात करें तो यहां सुबह 11 बजे तक 22% मतदान दर्ज किया गया है, उत्तर प्रदेश में 25% और पश्चिम बंगाल में 33% मतदान दर्ज किया गया है। पीएम मोदी का विपक्ष पर जोरदार हमला, कहा यूपी में दो शहजादों की जोड़ी घूम रही है, जनता ने दोनों शहजादों को रिजेक्ट किया है। मैं एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। इधर अनिल बलूनी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वोट डालने के बाद किया जीत का दावा। उत्तराखंड के गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार हैं अनिल बलूनी। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया मतदान, जीतने का दावा किया, कहा पिछली बार से ज्यादा केंद्र में सांसद जीत कराएंगे।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने किया मतदान। सचिन पायलट ने किया जीत का दावा, कहा बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस। 4 जून को INDIA को मिलेगा बहुमत। मेघालय सीएम कोनराड सांगमा ने किया मतदान। पोलिंग बूथ पर करीब 2.5 घंटे लाइन में लगकर अपनी बारी का किया इंतजार। अरुणाचल प्रदेश के नफरा गांव में बीजेपी नेता किरेन रिजिजू ने डाला वोट। लोगों से की मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील।